या कॉर्न सैंडविच है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो प्यार भरी गुड मॉर्निंग हिमाचल की। और अभी मैं हूँ गांव में घर, और आज मैं जा रहा हूँ चंबा में कुछ काम से, तो साथ लेके चलते हैं आपको भी। और आज का मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और साफ है। तो सामने से बस आ चुकी है, तो अभी बस में निकलूँगा, तो उसके बाद शायद आगे भी जाऊँ। तो व्लॉग में बने रहिएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टेड होने वाली हैं। तो चलो चलते हैं अभी। मैं गाइस पहुंच चुका हूं चंबा में, और अभी मैं जा रहा हूं हिमाचल वाला के कैफे, वो कॉलेज के साथ ही है। तो चलो वहां पे जाते हैं। और मास्क मैंने इसलिए लगाया कि स्किन पूरी ड्राई हो चुकी है, क्योंकि ऊपर से मौसम भी ठंडा है, तो इसीलिए। तो कोई नहीं, चलो चलते हैं अभी। ये है गाइस कॉलेज चंबा का, और इससे आगे जाके थोड़ा हिमाचल वाला का कैफे, तो चलो वहीं चलते हैं। ये है सामने हिमाचल वाला का कैफे, अब चल के अंदर। मैं पहुंच चुका हूँ हिमाचल वाला के कैफे चंबा में। जैसे मैंने कि आपको बताया था, कॉलेज के साथ में ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। और अभी मिलते हैं भाई से। तो हेलो भाई, क्या नाम है आपका? अक्षय। अच्छा, अक्षय जी हैं ये यहाँ पे, और भाई यहाँ पे बैठे हैं। आपका क्या नाम है भाई जी? करण। इनका नाम है करण। और अभी कुछ इनको ऑर्डर देते हैं और कुछ खाते हैं, और आपको मैं मेन्यू दिखा देता हूँ अभी। ये सारी आइटम है वेज और नॉन वेज में, तो अभी ट्राई करते हैं कुछ। तो अभी मैंने इनको ऑर्डर दिया है ये चिकन बोनलेस स्ट्राइप्स, हाँ स्क्रिप्स, और ये वाला ऑर्डर दिया, और दिया है मैंने ये कॉर्न सैंडविच। तो अभी ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको फीडबैक देते हैं कि कैसा है। चलिए आ चुके हैं अपने नॉन वेज, और अभी ट्राई करते हैं कैसा है। नजदीक ला लो, अच्छा है। और भी ट्राई करते हैं। अभी एक मैंने खत्म करके एक और बकेट मंगवा ली थी, और अभी आ गया अपना कॉर्न सैंडविच, और काफी मतलब टेस्टी है, इसलिए मैंने रिपीट ऑर्डर दिया, और अभी उसको खा के मजा आ गया। तो अभी ये भी ट्राई करेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। या कॉर्न सैंडविच, अभी करते हैं इसको ट्राई। अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, और खाया भी बहुत ही मस्त था, अच्छा था, बहुत बढ़िया। यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी थी, अगर अच्छी सिटी में भी होता तब भी चलता, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैं निकलूंगा भरमौर की तरफ, और आपको मिलाएंगे हिमाचल वाला से अपने रवि भाई से। तो चलो चलते हैं अभी। और भाइयों का बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू भाई जी, जरूर जरूर। वहां से निकल आया, तो अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड, और बस स्टैंड से पकड़ेंगे बस, और बस से निकलेंगे सीधा भरमौर। भाई बस वगैरह आ चुका हूँ मैं बस स्टैंड, और ये जाएगी अभी भरमौर के लिए। अभी मैं भरमौर वाली बस पे निकल चुका हूँ, तो मैं पहुँचूंगा भरमौर कम से कम 4:45 बजे तक। अभी चंबा से निकले हुए कम से कम आधा घंटा हो गया, और आगे बस रुकी हुई है, यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे। और अभी चंबा से जो है वो है 60 किलोमीटर भरमौर, तो वहाँ मुझे 84 मंदिर भी जाना है, और रवि भाई से भी मिलना है। तो चलो चलते हैं अभी, उनका जो गेस्ट हाउस है वो भी आपको दिखाएंगे।
और काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आना हुआ है। पहले मणिमहेश यात्रा के चली हुई थी तो तब आया था मैं मणिमहेश के लिए, कैलाश पर्वत जब गया था। यहाँ आप देख सकते हैं ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और नीचे नदी और बड़े बड़े पहाड़। अभी मैं पहुंच चुका हूं भरमौर बस स्टैंड में, ये लगी है बस और मौसम तो खराब हो गया है अभी। मैं पहुंच चुका हूं भरमौर और अभी मैं निकल रहा हूं रवि भाई के घर के लिए। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, व्लॉग अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, उनके होम स्टे में जाकर के उनके साथ मिलेंगे, अज्जू भाई के साथ मिलेंगे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जरूर आना।